हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिग की, कि मैं अपनी कैसे गिग्स बनाती हूँ। तो एक लाइव डेमो देंगे। तो अभी मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे मैंने यूट्यूब SEO सीखा हुआ है अभी, और उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए और आप लोग की हेल्प करने के लिए चैनल बना हुआ है। तो मैंने सोचा था कि अभी इसकी सर्विस जो है मैं फाइवर पे भी सेल करने के लिए चालू करूंगी, ट्राई करूंगी, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि गिग बनाऊं। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि इसके लिए गिग बनाई जाएगी और आपको लाइव दिखाते हैं कि भाई आखिरकार जो है गिग लाइव मैं अपने लिए कैसे बनाती हूँ, तो वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में से वीडियो मतलब लाइव शुरू करने से पहले कि कैसे बनने वाली है गिग, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ कुछ चीजें समझा दूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए कि अगर आप गिग बना रहे हो, क्योंकि मैं तो यूट्यूब SEO के लिए बना रही हूँ। सपोज अगर आप जैसे कि कॉन्टेंट राइटिंग के लिए बना रहे हो या किसी और चीज के लिए बना रहे हो, आपको स्टेप सेम फॉलो करनी है, बस लिखना अपने तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है टैग्स की और टाइटल की। तो टाइटल जो होता है उसके अंदर जो है आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी कीवर्ड जो है जो आप टैग्स में यूज करने वाले हो, जो आपकी नीच है उससे रिलेटेड एक अच्छा सा लो कंपटीशन कीवर्ड्स जिसमें न्यू सेलर्स रैंक कर रहे हो और उसके बाद उसमें कंपटीशन भी कम हो, ऐसा सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अब उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि कुल मिला के कुछ नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स डालने होते हैं और सर्च बॉक्स में चेक करने होते हैं कि उसमें कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, क्या न्यू सेलर्स रैंक हो रहे हैं, क्या न्यू सेलर्स को कहना चाहिए ऑर्डर मिल रहा है। लेवल 1 लेवल 2 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उन बंदों की बात हो रही है जिनको सिर्फ एक ऑर्डर मिला हुआ है या दो ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कीवर्ड रिसर्च की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है गिग इमेज की। तो गिग की जो इमेज है ऑलरेडी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, ऑल्दो अभी हम जो वीडियो बनाएंगे मतलब उसमें आपको दिखाऊंगी, उसमें मैं पक्का बना के दिखाने वाली हूँ कि भाई मैंने आखिरकार यूट्यूब SEO के लिए जो गिग थंबनेल है वो कैसे बनाई है, ठीक है। तो आप भी सेम मतलब अपने लिए बना सकते हो, और लोगो डिजाइनर्स के लिए मैंने पहले ही भी एक बार डिजाइन करके बताई हुई है कि आप अपना कैसे बना सकते हो, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। तो वो लिंक मतलब वो वीडियो जो है आप इस वीडियो के बाद जरूर जाके देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। और अभी इसके बाद जो बात आती है, कीवर्ड रिसर्च हमने कर लिया, एक अच्छा सा टाइटल लिख दिया। टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन तीनों जो है आपस में लिंक करने चाहिए। जैसे कि हम YouTube SEO के लिए करते हैं वैसे ही सेम ऑलमोस्ट प्रोसीजर जो होता है गिग्स के लिए भी है यहाँ पर, कि आपके जो टैग आपने मेन टैग जो डाला हुआ है ना कि भाई मैं जो है ये चीज करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, तो वही चीज जो है डिस्क्रिप्शन में भी आनी चाहिए। टैग्स भी उससे रिलेटेड होने चाहिए, ये नहीं कि टैग्स हमने कहीं के भी डाल दिए हैं और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है वो कहीं और ही भाग रहा है। तो इस तरीके से नहीं करना है, हमें एकदम तीनों चीजों को लिंक रखना है और अच्छी सी गिग थंबनेल लगानी है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमेशा जो टाइटल होता है उससे भी बड़ी गिग की थंबनेल दिख रही होती है, तो इंसान कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स की बात होगी। तो अभी फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि मैं कैसे अपनी गिग्स बनाती हूँ। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और अगर आप आखिरी तक देखते हो तो वेल एंड गुड, और आखिरी तक देखना और जो देखेगा तो बताना कि भाई आखिरी तक देखा है। और चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके का। और अगर आपको और भी जानना है तो मैंने पहले भी बता रखा है, उसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो टाइटल सबसे पहले देखना पड़ेगा यार कि टाइटल कैसे लिखना है, तो उसके लिए कीवर्ड्स रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम वो कीवर्ड्स जो है अपने टाइटल में लिख देंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले एक और न्यू पेज पर जाते हैं और यहाँ पर हम यूट्यूब SEO सपोज करते हैं, टाइप कर देते हैं। अब देखेंगे कि इस पर नंबर ऑफ गिग्स जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 4000 कुछ जो है नंबर ऑफ गिग्स हैं, तो उतनी भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 1-1 लाख तक के गिग्स बने हुए होते हैं। तो ये कीवर्ड थोड़ा सा लो कंपटीशन का है, तो हम इसे कॉपी करके एक नए पेज में लिख लेंगे। और यहाँ पे मैंने कैनवा क्या खोल रखा है तो यहीं पे लिख देते हैं, और इस पर जो है हम गिग इमेज भी अभी बनाएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने YouTube SEO लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम वो सर्च करते हैं कि भाई और क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी पहले से लिख रखा है और यहाँ पे YouTube SEO जो है हमारा पहला कीवर्ड हो गया। अब हम और भी कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च करेंगे कि किस पे कितनी गिग्स हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ रिकमेंडेड आ रहे हैं सजेस्टेड कीवर्ड्स, तो वो डाल के हम लोग सर्च करते हैं YouTube SEO एक्सपर्ट में। वहाँ पर 14,000 समथिंग गिग्स हैं, तो बहुत सारी हैं यार, इसमें हमारे रैंकिंग के चांसेस कम हैं। दूसरा हम कोई और देखते हैं कीवर्ड,
यूट्यूब वीडियो SEO में देखते हैं, तो इसमें भी यार बहुत सारी हैं गिग्स, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। तो अब इस तरीके से जो है आप करते जाना है, आपको करते जाना है, तो कुछ ऐसे दो चार कीवर्ड्स ढूंढ लेने हैं जो कि जिनमें गिग्स जो हैं वो कम हों और न्यू सेलर्स को ऑर्डर मिल रहे हों और वो रैंक कर रहे हों, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको अपने अपने नीश के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अलग अलग कीवर्ड्स जो है सर्च कर रही हूँ, तो सेम आपको भी प्रोसीजर फॉलो करना है, चाहे आपका कोई भी वो हो, और उनको एक पेज में या कहीं पर भी अलग से लिख लेना है कि भाई ये कीवर्ड्स जो हैं इन पे लो कंपटीशन है, और उनको जो है हम अपने इसमें यूज़ करेंगे हमारे गिग के टाइटल में, थम और टाइटल में, और हमारी डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद टैग्स में भी, ठीक है। तो ये हमें कुछ दो तीन कीवर्ड्स मिल गए हैं, वीडियो रैंकिंग और यूट्यूब SEO, तो अभी हम इनको जो है टाइटल में यूज़ करेंगे। अब बारी आती है टाइटल की, तो टाइटल में जो हमने दो कीवर्ड्स सोचे हैं हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि आई विल डू, और जो भी हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, मतलब एक टाइटल अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी सिमिलर जो है जो भी नीश है उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब SEO के लिए कर रही हूँ, तो मैंने उसके लिए जो कीवर्ड्स सर्च किए हैं उसके हिसाब से हम डाल डूल के बना देंगे। अभी एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई 80 वर्ड्स जो है आप लिख सकते हैं, बट पूरे के पूरे मत लिखिए, थोड़ा शॉर्ट रखिएगा अपना टाइटल, उतना भी लंबा मत कर देना, और उसके बाद उसको कैची भी रखना है, उसमें कीवर्ड्स भी आने चाहिए, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, तो उस हिसाब से जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी टाइटल डालने के बाद कैटेगरी लिखनी होती है, तो आपकी जो भी नीश है उसके लिए कैटेगरी आप कैसे देख सकते हो वो भी मैं बता देती हूँ कि आप कोई भी एक मान लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक गिग दिखा देती हूँ आपको, अगर हम कोई भी एक गिग पे ओपन करते हैं तो उसके टॉप पे लिखा रहता है कि वो कौन सी कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी क्या है, और उसके बाद उसकी जो सर्विस टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पर तो हमारी जो कैटेगरी है वो जो है मार्केटिंग वाली है डिजिटल, और उसके बाद उसमें वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं, और उसके अंदर जो सर्विस टाइप आएगा वो आएगा हमारा SEO SEO का, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि मैं ये वाला खोल के दिखा देती हूँ आपको, तो यहाँ पे जो है ये गिग खुलेगी, इसके बाद यहाँ पे टॉप पे देखेंगे आप ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, इसके बाद वीडियो मार्केटिंग, तो ये कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है। ऐसे आपके जो भी होते हैं ना कोई भी गिग जिसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्विस टाइप में वीडियो SEO कर देते हैं। अब बारी आती है टैग्स की, तो टैग्स जो है पहले तो हम दो वही डालेंगे जो हमने कीवर्ड रिसर्च में किए हुए हैं, तो सिमिलर आप जो है अच्छी कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा, 20-15 कहना चाहिए कीवर्ड्स पे सर्च कर लेना, उसके बाद अच्छे से मतलब थोड़ा टाइम देके गिग बनाओगे तो थोड़ा और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है अपने कीवर्ड्स लिख लेती हूँ, और उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स लिखोगे सब अपने गिग से रिलेटेड ही लिखना, अपनी जो भी आप ऑफर करने वाले हो सर्विस उससे रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। अभी इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो आएगा हमारा प्राइजिंग का, तो प्राइजिंग में जो है आपको सबसे पहले नेम्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे हम जो है 3 वाला जो है वो अनलॉक कर लेंगे कि भाई 3 जो है हम पैकेजेस ऑफर करना चाह रहे हैं, तो वो हम अनलॉक कर लेते हैं सबसे पहले। और जो आप प्राइस रखोगे ना वो थोड़ा लिमिट मतलब ढंग से रखना, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई भी मत रखना, बहुत ज़्यादा लो भी मत रखना। आप अपने सर्विस को जानते हो, आपको कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हुए प्राइस रखना, ठीक है। तो हमने अनलॉक कर लिया है, और बेसिक में मैं एक वीडियो का SEO करके दूंगी, और स्टैंडर्ड में 5 का और प्रीमियम में 10 का। तो इस तरीके से जो है मैंने अपने पैकेजेस का नाम रख दिया है। आप जो है मैं बाकी की जो मेरी और भी गिग्स रहती हैं, तो लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए जो नेम होता है वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो जिस हिसाब से आपको नाम रखना हो, नाम में कुछ भी नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं वो और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये रख दिया है, यही नाम रख दिए हैं, 1, 5 और 10 वाला। अब बात आती है कि आप उन पैकेजेस में दे क्या रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई मैं क्या क्या देने वाली हूँ, ऑप्टिमाइज़ करूँगी, टाइटल रिसर्च करूँगी, ये सब कुछ। तो आप जो जो चीज़ें अपनी सर्विस में देने वाले हो वही सब कुछ आपको लिखनी रहती है बकायदा, कि भाई बेसिक में हम ये देंगे, स्टैंडर्ड में ये देंगे और प्रीमियम में ये देंगे। तो सेम आपको अपने हिसाब से लिखना है जो भी है, और उसमें भी थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं कि भाई आप क्या क्या दे रहे हो पूरा सब कुछ मेंशन करो, पर कम शब्दों में, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें इतना पूरी कथा नहीं लिख सकते हम, तो थोड़ा थोड़ा शब्दों में बताने की कोशिश करो। डिलीवरी टाइम है कि आप कितने दिन में दे दोगे, तो अपने आप को फोर्स मत करो ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास कितना टाइम है, आप फ्रीलांसिंग को दे पा रहे हो, तो उस हिसाब से जो है मैनेज करके लिख दो, और नहीं तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए जो है आप और भी चार्ज कर सकते हो। ये वाली गिग जो है मैंने पहले बना के दिखाई है, तो आप ये वाली भी देख सकते हो, उसकी वीडियो मैं बता देती हूँ, ऊपर कार्ड में लगा देंगे, और ये लोगों के लिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डिलीवरी टाइम लिख दीजिए जो भी है, और लोगों वाली अगर आपको दिखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
अभी बाकी की इन्फॉर्मेशन आप फटाफट भर दीजिए, जो भी है चैनल वैल्यूएशन करेंगे ये वो, और प्राइसिंग लिख दीजिए, ठीक है। सेम आपके अलग अलग गिग्स के लिए अलग अलग होगा, तो आप कर दीजिए और प्राइस लिख दीजिए। प्राइसिंग का एक बेसिक आइडिया जो है आप रिलेटेड गिग से भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये लोग देखो $20 का ये ऑफर कर रहे हैं, ये $25 का कर रहे हैं, $50, $5 भी है, तो उस हिसाब से अपने आप को कॉम्पिटिशन में, जैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन है उसको देखते हुए भी थोड़ा सा आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्राइसिंग क्या रखनी है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो गिग्स खोल खोल के देख लेना, तो उस हिसाब से मैंने भी अपना जो है पूरा लिख दिया है, तो आप भी देख सकते हो एक बारी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि गिग एक्स्ट्रास, और उसके बाद फास्ट डिलीवरी, मैंने आपको बोला आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, तो वहां पे ऑप्शन रहता है कि आप और भी जल्दी करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। यह जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भैया मैं एक दिन में दे दूंगा या दो दिन में दे दूंगा इतने एक्स्ट्रा चार्ज पे, तो आप ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये प्राइसिंग मैं कर दे रही हूँ, और इसके बाद गिग एक्स्ट्रास में जो भी आप एक्स्ट्रा सर्विस रिलेटेड दे सकते हो, जैसे थंबनेल हो गया इसमें और चैनल आर्ट वगैरह, सेम आप अपनी अपनी नीश के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं कि भाई जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको ये सब कुछ भी दिखेगा, तो उसको लगेगा, तो वो ये भी चीज़ें प्लेस कर सकता है साथ ही साथ, तो हमें और भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना करने के बाद जो है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाह रहे हो, उसके बाद जो है हम सेव एंड कंटिन्यू पे जो है क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है हमारा डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें टैग्स भी लिखने हैं और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो यहाँ मैंने पहले से एक जगह पे लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है कि डिस्क्रिप्शन, तो थोड़ा सा समय देके अच्छे से लिखिएगा, और उसमें जो स्टार्टिंग होती है ना उसमें सबसे पहले मेंशन कर देना कि आपकी गिग किसके बारे में है, तो वेलकम टू माय गिग, और इस तरीके से जो है एक ओपनिंग जो होती है गिग की करनी चाहिए, तो अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि मैंने कैसे लिखे हुआ है। तो सबसे पहले वेलकम टू माई गिग लिखा हुआ है मैंने भी, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मैंशन करनी है अपने अपनी नीश के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले पेस्ट कर लेती हूँ कि भाई आपको अब समझाते हैं। तो अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है आपकी सर्विस में है क्या आपको वो भी बताना है, और आप जो है बोल्ड इटैलिक हाईलाइट कर करके जो है उसको सुंदर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्विस में है क्या क्या, कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हो, तो वो सारा कुछ लिख देना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हो अपने डिस्क्रिप्शन को, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई इंसान आपके गिग पे आया है तो ऑर्डर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सारी अपनी चीज़ें ऑफर जो आप कर रहे हो सर्विस की वो लिख दी है, उसके बाद जो है उनको उससे फ़ायदा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, और उनको आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करना है, और आखिरी में जो है अपना जो भी आपका यूज़र नेम है वो लिख देना है। अभी यूज़र नेम से याद आया कि यार मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला जो अकाउंट है मैंने अपनी सिस्टर के लिए क्रिएट किया था, ताकि आप लोगों को एक लाइव डेमो दे सकूं, और आपको ऐसे ना लगे कि भाई ये तो ऐसे नकली में हो रहा है असली में नहीं होता करके, तो इसलिए मैंने सब कुछ लाइव रखने के लिए जो है अपना यूज़र नेम भी वो जो उस अकाउंट का था वो मैंने शेयर कर दिया था। बट बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें मैसेजेस किए, और उसके कारण मेरी पूरी जो रेटिंग है इनबॉक्स की वो सब कुछ गिर गया, रिस्पॉन्स रेट वगैरह, इतने मैसेजेस आए कि हमको ऑर्डर दे दो करके। तो यार ये अकाउंट अब उतना कुछ काम का नहीं रह गया, इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे वापस सही करने के लिए। तो यार ऐसे इसलिए मैं जो है मेरा मेन अकाउंट जो है मैं उसकी लिंक्स जो है या यूज़र नेम है वो शेयर करना नहीं प्रेफर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ बस वो मत मांगो, बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो भी कॉमेंट्स आते हैं सबका रिप्लाई कर दूँ, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी बता दूँ। और बाकी जिस वीडियो में मैंने ये सब बताया था तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ताकि उसमें मैंने लोगो डिज़ाइनिंग का बताया हुआ है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पर यार इसीलिए मैं अपना थोड़ा बता नहीं रही थी, और इसलिए बुरा मत मानना। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया हुआ था ये अकाउंट, और अभी इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पर अभी वो काम नहीं करेगी, ऑफकोर्स मैं ही काम करना पड़ेगा, अब मुझे ही करना पड़ेगा इस पर काम, तो उसके लिए नया बनाया जाएगा। अब वापस उसी ट्रैक पे आते हैं, हम वापस चलते हैं अपने पेज पे, और यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जो है आप जो भी क्वेश्चन है वो बायर के मन में हो सकता है, उसका खुद ही को क्वेश्चन का आंसर भी देना है और क्वेश्चन भी लिखना है, ताकि उनके मन में कोई डाउट हो तो वहीं से पढ़ के जो है वो क्लियर कर लें। तो यहाँ पे मैं थंबनेल वगैरह का लिख दे रही हूँ, तो आपके रिलेटेड जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे हम। तो ये यहाँ पे देखिए आप लिख रहा है कि जो SEO वर्ड है वो बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया गया है, तो हम एक आध बार जो है कहीं से भी हटा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, तो ऐसे आपके में भी आएगी, तो उसको पढ़ लेना कि वो बोल क्या रहा है, और उस हिसाब से कम ज़्यादा कर देना, उसमें इतनी घबराने की बात नहीं होती। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये हटा दिया है, और अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगी तो देख लेना कि ले लेगा।
तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसने ले लिया। अभी जो है हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं हमारे बायर से, हमें वो लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं YouTube चैनल की लिंक मांगूंगी ऑफ कोर्स, कि मैं एक बार आपका थोड़ा देख लूँ कि चैनल कैसा है, और उसके बाद वो उनको मैनेजर बनाना पड़ेगा मुझे, तो फिर मैं वो सब कुछ जो है SEO वगैरह सब करके दे दूँगी। और थोड़ी बहुत जो गाइडलाइंस होगी वो मांगूंगी मैं, कि भाई आप गाइडलाइंस बता दो कि आपको कैसे चाहिए, क्या करवाना है, आपके में दिक्कत क्या है। तो सिमिलरली आप जो है अपने अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपने अपने गिग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अभी सेव एंड कंटिन्यू और नेक्स्ट। अब बारी आ गई है गिग इमेजेस की, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। बट अभी यहाँ पे हम एक जो है आपको बना के दिखाते हैं लाइव कैनवा में, और कैनवा में मैंने आपको साइज़ पहले ही बता दिया है कितने पिक्सल्स का होता है, तो आप अभी हम वो वाला करने वाले हैं, ठीक है। और एक वीडियो कर सकते हो और 3 इमेजेस या फिर 2 डॉक्यूमेंट्स यानी कि PDF वगैरह, उसमें सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हो, तो इतनी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम एक इमेज बस अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर इसी पेज पर हम लोग काम शुरू करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने कैनवा का वही पेज खोल लिया, आप पिक्सल्स देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अब हम एक आध बैकग्राउंड लेके, थोड़ा बहुत कैची टेक्स्ट लेके, और उसके बाद शुरू हो जाते हैं। तो अभी डाउनलोड करने के बाद हम लोग जो है गिग इमेज जो है अपलोड कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो भी होगा, और इस तरीके से जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो है हम अपनी गिग एक बार ये देख लेते हैं कि भाई दिक कैसी रही है, सेव एंड कंटिन्यू करो, और वो पब्लिश हो जाएगी। अभी पब्लिश होगी हमारी गिग, यहाँ डन पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद ही एक बार प्रीव्यू देख सकते हो आप अपनी गिग का, कि भाई आखिरकार दिख कैसे रही है। तो आप जो है यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और हमें अपनी गिग जो है देखने को मिल जाएगी कि हमारी गिग आखिरकार दिख कैसे रही है। तो इस तरीके से कुछ दिख रही है, और बढ़िया दिख रही है, और गिग की इमेज भी बढ़िया दिख रही है, तो सब अच्छा है। इस तरीके से मैं अपनी गिग्स बनाती हूँ, और आप भी बनाइएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना होगा, बाकी एक अच्छी गिग तैयार हो जाएगी। गाइज, इस तरीके से मैं अपनी वीडियो के लिए, मतलब अपनी जो गिग होती है उसके लिए प्रिपेयर करती हूँ। थोड़े बहुत कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कम से कम 25-30 कीवर्ड रिसर्च कर लो कि भाई किस पे कैसे क्या हालात हैं, उस हिसाब से अपने लिए सिलेक्ट करो, और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये होती है गिग थंबनेल की, और इसके बाद गिग्स और जानना है डिटेल में कि भाई एकदम स्टार्टिंग से कि गिग तक पहुंचते कैसे, अकाउंट कैसे बनाते हैं, और भी जो चीजें होती हैं और भी प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने पहले से बताया रखा है, आपको ट्यूटोरियल बना दिया अकाउंट से गिग से सारा कुछ के लिए, तो अब वो सारी वीडियोस भी जाके पक्का देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और वो भी मैंने ऐसे ही बनाई थी। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।